ड्राइव डायरेक्ट किया है इसे तरुण मंजूखानी ने, और जो इसके अंदर स्टारिंग है सुशांत सिंह राजपूत, जैकलिन फर्नांडेज, बोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, विक्रमजीत विक, सपना पैबी और अन्य कलाकार। अब ये मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी, क्योंकि थिएटर में दिखाने के लायक तो थी नहीं है, तो इसलिए इसको नेटफ्लिक्स पे डाल दिया गया। ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, मुझे नहीं पता। शायद लोगों को, जो भी उनके मेकर हैं, उनको दे इन्होंने ये मूवी देखी होगी और सोचा होगा यार उन्होंने इस कचरे को बना दिया और इस कचरे को बेचें कैसे, तो क्योंकि थिएटर्स में तो चलने वाली है नहीं, तो शायद उन्होंने सोचा होगा क्यों ना इसको किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या वेब सीरीज बना के इसको बेच दिया जाए, तो ऐसे ही उन्होंने किया होगा। अब स्टोरी की बात करें इस महान मूवी की, तो स्टोरी ऐसी है कि कुछ चोर हैं, चार चार चोर हैं, वो चोरी करना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन में, और बस यही स्टोरी है, वो चोरी करना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन में। बहुत महान स्टोरी लिखी है इन जो इस कलाकार है, जो जो राइटर हैं और जो इसको प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया, वो सब इस सदी के महान कलाकार हैं। इस मतलब आर्टिस्ट इतने जबरदस्त, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट, जो जो ये हमारे सामने जो करके रख दिए। जो हमारे साथ तो कुछ बुरा होता है ना, तब हम सोचते हैं यार इससे बुरा और क्या होगा, फिर अचानक हमारे सामने कुछ और बुरा हो जाता है। ऐसे कुछ होता है जब हम कोई घटिया मूवी देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल एकदम घटिया मूवी। लास्ट घटिया मूवी मैंने कौन सी देखी थी? अभी देखो मुझे तो बस यही याद है, ये ड्राइव घटिया मूवी है, इसके आगे तो लाल कप्तान मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। अब जब हम कोई घटिया मूवी देख लेते हैं और फिर हम थिएटर से बाहर निकलते हैं, तब हम सोचते हैं यार इससे घटिया मूवी आ ही नहीं सकती। तब बॉलीवुड कहता है यार गलत जा रहा बच्चे, गलत। तब बॉलीवुड एक अपने पूरे इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करता है, बहुत मशक्कत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, और फिर हमारे लिए घटिया प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर कहता है तूने बोला कैसे कि इससे घटिया मूवी नहीं आ सकती, तो ले पेश करता हूँ तेरे लिए ड्राइव। तो ये वो है। अब ड्राइव की अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ ना, आजकल के टाइम में जितने यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब के चैनल पे पैसे खर्च करते हैं अपनी ग्राफिक्स को बढ़ाने के लिए, उससे कहीं घटिया ड्राइव, मतलब बहुत ज्यादा घटिया ग्राफिक्स इन्होंने यूज किए, मतलब यूट्यूबर्स उसे बहुत अच्छी ग्राफिक्स यूज कर लेते हैं। और अब बात करें एक्टिंग की, और एक्टिंग के मामले में इस सदी के जैसे महान जो निर्माता हैं, वैसे ही इस सदी की जो महान कलाकार हैं, एक्ट्रेस जो हैं, वो जैकलिन फर्नांडेज आपको इस मूवी में दिखेंगी। और क्या एक्टिंग की है उन्होंने भी, मतलब किल कर दिया आजकल, मतलब कोई है ही नहीं उनकी टक्कर में, मतलब उन्होंने क्या एक्टिंग की है, जो उन्होंने अपना ग्लैमर दिखाया है इस मूवी में, और जो उनकी टूटी फूटी हिंदी इस मूवी में बोली गई है, वाह यार कमाल, मतलब सोने पे सुहागा है। एक तो वो कहानी, ऊपर से वो ग्राफिक्स, फिर उसके ऊपर ये एक्टिंग, मतलब सब सबका सब। हम कहते हैं कि यार कहानी घटिया थी, फिर सोचते हैं यार चलो एक्टिंग तो अच्छी की, ग्राफिक्स तो अच्छी थी, इसमें तो वो भी नहीं, इसमें तो कहानी तो थी घटिया ही घटिया, ऊपर से ग्राफिक्स भी घटिया, और उससे ऊपर लो इसकी ये एक्टिंग भी घटिया। और अब बात करें इस ड्राइव मूवी में जो सस्पेंस, जो सरप्राइज रखे गए भाई, जो सरप्राइज आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे सरप्राइज मैंने भी नहीं सोचे थे। मतलब मैं सोचता था कि यार जब भी मुझे कोई मिस्ट्री जो मूवी दिखाई जाती है या फिर जो मैं देखता हूँ वो मूवी, हाँ उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं गैस कर लेता हूँ हाँ ये होने वाला है, लेकिन इसमें तो सच में मैं कहीं पर भी ये अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि हाँ अगले पल ये होने वाला है। सच में इतने जबरदस्त सरप्राइज इन्होंने रखे हैं, जैसे ही जैसे जैसे एक 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 सरप्राइज आपके सामने खुलता चलेगा, आपका तो एक तो सर दर्द होता चलेगा और साथ ही आपको गुस्सा आता चलेगा। और अब बात करें प्लानिंग की, जो ये क्रिएटर्स ने जो प्लानिंग की कि हाँ भाई चोरी कैसे करें, अब चोरी चोरी तो करनी है राष्ट्रपति भवन में, अब राष्ट्रपति भवन में घुसे कैसे, अब ये जाने का जो प्लान इन्होंने बनाया, मतलब कि यार पड़ोसी का घर समझ रखा है कि मतलब जब चाहेंगे ये राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे और जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे, यानी दो बार राष्ट्रपति भवन में जाके आएंगे फिर वो वापस आ जाते हैं। और इनको एक चीज़ पता है कि राष्ट्रपति भवन में एक चैम्बर है जो किसी को नहीं पता, मतलब कि यार वो आईएएस जो करके वहां पे जाते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, या फिर जो सेक्रेटरी होते हैं वहां पे, या इतने बड़े बड़े लेवल के जो वो वहां पे पार्लियामेंट में जो जॉब करते हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, किसी को कुछ नहीं पता, मतलब वो चैम्बर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता भाई, इन चोरों को पता, कमाल है भाई। तो फिर वो चैम्बर के वहां पर जाना ही क्यों, नीचे से सुरंग खोद के चले जाते,
शायद उसमें इतना आपको अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। अगर वो नीचे से सुरंग करके सीधा यू चैम्बर के नीचे जितने भी 890 करोड़ रुपए लेके जाने थे, वो आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। लेकिन इनको तो दिखा नहीं थी अपनी क्रिएटिविटी, और तो क्रिएटिविटी कैसे दिखाएं, तो क्रिएटिविटी दिखाएंगे राष्ट्रपति भवन में घुसेंगे, ये वो प्लानिंग करेंगे। यार बोमन ईरानी और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार को जब ऐसी देखता हूँ यार, कमाल हो यार, वो तो इतने अच्छे कलाकार हैं। और बाकी तो उनकी एक्टिंग को मैं, मतलब उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनकी एक्टिंग को देखें, ये जो बाकी जो बच गए जो चार चोर थे, उनकी एक्टिंग को देखो, एक तो सर में दर्द होएगा और दूसरा गुस्सा आएगा, यार क्या देख रहे हैं। वो तो शुक्र है नेटफ्लिक्स था, इसके ऊपर आप स्किप कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है। एक तो वो गाने वो सहन करना, थिएटर में तो देखना ये सहन करने के बराबर हो जाता, करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो आप सहन नहीं कर सकते, आपके पास वो ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन का शुक्र है। ये मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा, प्लस पॉइंट मुझे लगा इसके अंदर। बहरहाल हमने सब बातें कर ली हैं इस घटिया मूवी के बारे में, अब मेरे पास ना शब्द नहीं बच रहे इसकी और तारीफ करने के लिए। हाँ मैं और तारीफ करूँ इसकी, बस हो गया जितना होना था। अब स्टार दूँ तो इसको 0, अब इससे भी 0 भी अगर नेगेटिव होता ना वो दे देता हम इसको, लेकिन 0 ही ठीक है यार, माफ़ करो। इससे ज़्यादा तो अपने ना तो मुझसे बोला जाएगा इसके बारे में, और ना ही मैं इसकी और बड़ाई कर सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।